स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल अजमेरी कनौजिया में। विक्रम कनौजिया आज आपको लेकर आया हूँ अजमेर के फाई सागर झील पे, जो कि 1892 में बनाया था। इसको फाई नाम के जो यहाँ पर थे पहले, उन्होंने इसका स्थापना रखी और ये मानव निर्मित है। आते हैं और देखते हैं, इसको अंदर चलते हैं कि क्या हाल है इसका। चलिए आइए। ये देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही अपने को यहाँ पे बोर्ड मिला लगा हुआ, जिस पर लिखा हुआ फाई सागर कंस्ट्रक्टेड बाय एडी सॉरी फाई सागर कंस्ट्रक्टेड एडी 1892 और म्यूनसिपलिटी ने बनाया था इसको अजमेर की, जिसमें 1 लाख रुपए लगे थे उस टाइम। और कैपेसिटी इसकी जो है वो 150 मिलियन क्यूबिक फीट है, वाटर सप्लाई 1 मिलियन स्क्वायर फीट और 34 फीट डीप है इसकी, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये उस टाइम में बनाया गया था दोस्तों। और ये देखिए इस पर नाम वगैरह भी राय बहादुर और जो भी चेयरमैन है यहाँ के समीर मॉल उस टाइम के म्यूनसिपल के, ये सब लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ सारी जानकारी दी गई है। चलिए आगे दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था, धूप हो तो इसके अंदर बैठ जाए। ये देखिए सेट लगाए हुए हैं अलग अलग तरीके से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो लुक है वो एक अपने आप ही बनता है। ये हम चौपाटी पर हैं ऊपर फाई सागर पे, जो उसकी नई बनी हुई है। बनी हुई तो काफ़ी समय से है लेकिन अभी इसका जीर्णोद्धार हुआ है, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, और ये जो पेड़ लगा हुआ है देखिए दोस्तों, पानी के अंदर है बिल्कुल और झुका हुआ सा है, कितना ही प्यारा लग रहा है। सो स्वीट यार, वेरी नाइस दोस्तों, मज़ा ही आ गया देख के। हम तो अजमेर में रहते हैं लेकिन फिर भी आना नहीं होता, आज काफ़ी सालों बाद यहाँ आया हूँ और देखते ही बन रहा है दोस्तों नज़ारा। और अभी अखबार में भी आया था जैसा कि पानी यहाँ से अजमेर के कुछ क्षेत्रों में वितरित किया जा रहा है पीने के लिए, फिल्टर करवा के करके वगैरह जो भी इसका प्रोसेस होता है, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ये देखिए पेड़ों की तो कमी नहीं है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, मज़ा ही आ गया। ये देखिए नीचे भी है चलने की जगह और लाइटिंग देखिए, लाइट के लिए पोल वगैरह सब लगे हुए हैं। ये देखिए ऊपर भी है, ये देखिए लाइन से है और ये नीचे भी है दोस्तों, बहुत ही प्यारा नज़ारा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से ये चौपाटी पे खड़ा हूँ और नीचे का नज़ारा, यहाँ से नीचे की भी चौपाटी मतलब चलने के लिए जगह है। और ये देखिए यहाँ से ये स्लैब सी बनाई हुई है, जो कि इस पर भी घास लगी हुई है जो बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप भी कभी आए तो ज़रूर आएँ दोस्तों, मैं तो कहता हूँ बहुत ही प्यारा। और ये बहुत लंबी चौपाटी है, ये इसको कवर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए अपन आगे नहीं चलते हैं, यहाँ से वापस रिटर्न करते हैं। ओके दोस्तों, ये था फाई सागर लेक जो कि मैंने आज आपको घुमाया। आप भी कभी आएँ तो ज़रूर घूमें इसको, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है। आप कभी आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ आकर, और यहाँ की फीलिंग्स जो है वो बेस्ट हैं। तो आप भी कभी आएँ तो यहाँ की वाइब्स लेने ज़रूर आएँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल देन बाय, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में और किसी डेस्टिनेशन पे। आज के लिए इतना ही, बाय।